सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गिरते हुए पत्ते भी बताना चाहते हैं कि अगर बोझ बनोगे तो अपने भी गिरा देंगे। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले परिस्थिति को देख कर ले, दुनिया को देख कर लिए फैसले हमेशा दुखी देते हैं। भगवान अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता और भगवान जिसे छीन ले वो उसे कोई दे नहीं सकता। आज का पंचांग 21 अक्टूबर 2023, दिन शनिवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात्रि 9:53 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र शाम 7:55 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:20 से 10:46 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:45 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर रात्रि 1:38 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। आप सभी को सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को नवरात्रि की 7वें दिन अर्थात सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पर माता काल रात्रि की कृपा बनी रहे। कर्क राशि 21 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार, आप अपने आसपास के लोगों से अच्छी खासी सहायता और पहचान की उम्मीद रख सकते हैं। आप मजबूत आधार और आशावादिता से भरपूर हैं और नई परियोजनाओं के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आप में अभी भी अच्छी परियोजना को पहचानने की क्षमता बरकरार है। इसके कारण आप केवल उन्हीं परियोजनाओं में निवेश करेंगे जो भविष्य में काफी लाभकारी साबित होगी। दिन के शुरुआत में कुछ चुनौतियां रह सकती है, लेकिन जल्द ही सब कुछ व्यवस्थित भी हो जाएगा। बुजुर्गों का मान सम्मान व आदर में कमी न आने दें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदयदायक रहेगा। कोई धार्मिक अथवा मनोरंजक यात्रा का भी प्रोग्राम बन सकता है। किसी व्यक्ति का आप पर दबाव रहेगा, इस कारण मानसिक तकलीफ हो सकती है। तय किए गए लक्ष्य हासिल करना सीखें, खुद पर विश्वास रखें। काफी समय के बाद बातें आपकी मर्जी के अनुसार हो सकती है। सकारात्मक बातों का आनंद लें। आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाएं। रिलेशनशिप में कुछ दिनों के लिए परेशानी का कारण बनेगा, लेकिन अंतिम निर्णय आपकी मर्जी के अनुसार ही होगा। नींद से संबंधित समस्या दूर करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। सावधानियां, कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर अपने गुस्से पर काबू रखें तथा सहज बने रहें। अगर कोई भूमि संबंधित विवाद चल रहा है तो शुभचिंतकों की सलाह को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। युवाओं को अपने करियर के प्रति लापरवाही करना नुकसानदेह रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवारजनों के आपसी सामंजस्य से संबंधों में और अधिक मधुरता और निकटता आएगी। लव अफेयर्स के मामलों में आप लकी रहेंगी। विरोधाभासी ग्रहों की वजह से आज आप विपरीत दिशा में जा सकते हैं। आप एक निर्णायक निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन आप काफी सतर्क हैं और किसी भी तरह का असंतुलन नहीं चाहते। इन विरोधाभासी प्रभावों के कारण आपका प्यार का जीवन काफी दिलचस्प हो जाएगा। इन सब से आपको अपने साथी या अपने रिश्तों पर एक सबक मिलेगा जो कि आपको भविष्य के लिए योजना बनाने में मददगार साबित होगा। बात करते हैं करियर की। आपका भाग्य आपके वित्तीय उपक्रम को पूरा समर्थन दे रहा है एवं आपकी नौकरी भी काफी अच्छी है, परंतु आपको अपने धन पर ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। आपके अपव्यय करने के आदत से आपको अपने निकट के व्यक्तियों से आलोचना सुननी पड़ सकती है। ये समय उनके सुझावों को मानने का है और साथ ही साथ अपनी खर्चीली आदतों को कम करने का भी। व्यवसायिक दृष्टि से समय लाभदायक चल रहा है। मीडिया तथा कंप्यूटर से जुड़े व्यवसाय आज अप्रत्याशित लाभ कमाने की स्थिति में रहेंगे। वर्तमान में चल रहे कामों में क्वालिटी पर अधिक ध्यान दें। नौकरी पेशे लोगों को कोई टारगेट पूरा होने से बॉस तथा अधिकारियों से सराहना मिलेगी। बात करते हैं सेहत की।
सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, अस्पताल आदि का भी चक्कर लग सकता है। अच्छा, आपको आलस सा महसूस होगा, लेकिन यह बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि आप पिछले कई दिनों से बहुत ही तेज गति से काम कर रही हैं। आपको अपनी टांगों में थोड़ा बहुत खिंचाव या दर्द महसूस हो सकता है, यह सब अत्यधिक दौड़ भाग का नतीजा है। इसीलिए आज अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए खूब आराम करें और अच्छा खाना खाएं। आज का उपाय, आज आप माता काली को गुड़ का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।